नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ी, बेटे और बहू के साथ इलाज के लिए अमेरिका हुए रवाना। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में मिथुन अपने इलाज के लिए अमेरिका लॉस एंजलिस रवाना हुए हैं। मिथुन के बेटे महा अक्षय और बहू मदलसा भी उनके देखभाल के लिए उनके साथ अमेरिका गए हैं। मिथुन इलाज के लिए कुछ समय तक अमेरिका के हॉस्पिटल में रहेंगे। आपको बता दें कि मिथुन बॉलीवुड के जाने माने स्टार्स में से एक है। मिथुन को बॉलीवुड में डिस्को डांसर के नाम से जाना जाता है। बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं मिथुन दा। क्रॉनिक बैक पेन से जूझ रहे हैं मिथुन। खबरों के हिसाब से मिथुन को इस समय क्रॉनिक बैक पेन हो रहा है। उन्हें कई दिनों बाद जब आराम नहीं मिला तब उन्होंने अमेरिका जाकर इलाज करवाने का फैसला ले लिया। 2 साल पहले भी मिथुन इस बीमारी का इलाज करवाने अमेरिका गए थे। दरअसल 2009 में एक फिल्म आई थी लक, उसका स्टंट सीन करते समय वे घायल हो गए थे। उसके बाद से उनके बैक पेन की समस्या शुरू हुई। खराब तबीयत की वजह से मिथुन दा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था 2016 में। उसके बाद उनकी दोबारा तबीयत खराब हुई। यही वजह रही कि मिथुन दा लंबे समय से लाइमलाइट से भी दूर रहे। आखिरी फिल्म आई जीनियस। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मिथुन चीफ देवराज माथुर के किरदार में नजर आए थे। मिथुन के बेटे ने 6 महीने पहले की है शादी। मिथुन के बेटे महाक्षय ने इसी जुलाई महीने में मदलसा शर्मा से शादी कर ली। पहले महाक्षय और मदलसा 7 जुलाई को ऊटी में शादी करने वाले थे। एन मौके पर महाक्षय को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। बाद में जमानत मिलने के बाद 10 जुलाई को उन्होंने मदलसा से शादी कर ली। एक्ट्रेस ने मिमोह पर लगाया था रेप का आरोप। दरअसल शादी के मौके पर ही महाक्षय पर एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने रेप और गर्भपात करवाने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही इस एक्ट्रेस महाक्षय की मां योग्यता बाली पर भी धमकी देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अगर आप मिथुन दा की सेहत के लिए दुआ करना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी दुआएं जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।